हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड. दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास नाइन्थ. ओके, एंड दिस चैप्टर इज़ ओके फिफ्थ पार्ट टू. ओके, दिस वीडियो इज़ पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर फाइव, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. क्या है आपका नेम चैप्टर का? कोऑर्डिनेट ओके जियोमेट्री. सो लेट अस सी सम प्रॉब्लम्स. यस्टरडे इन द प्रीवियस क्लास वी हैव अंडरस्टूड the very okay concept. यहाँ पे अगर हमारे पास ये एक्सिस है, लाइक दिस इज द एक्स ओके ओ एंड दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई ओ एंड वाई डैश, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, एंड दिस इज द क्वाड्रेंट फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट की स्पेलिंग क्या होगी आपके पास? क्यू U A D R A N T. क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है बोले तो, ये वाला जो पार्ट है पूरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो पार्ट है वो पूरा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये जो पार्ट है पूरा थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड दिस पार्ट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. व्हेनेवर ओके व्हाई वी आर गोइंग फॉर अ ग्राफ, ओके व्हाई वी आर गोइंग फॉर अ ग्राफ टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट, वेदर इट इज प्रेजेंट इन द ओके फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेदर इट इज प्रेजेंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और वेदर इट इज प्रेजेंट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड वेदर इट इज प्रेजेंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. सो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज नेगेटिव एंड पॉजिटिव ओके वी कैन डिस्क्राइब अ पोजिशन विच इज देयर इन विच क्वाड्रेंट. सो यहाँ पे जो होता है प्लस प्लस होता है, प्लस कॉमा प्लस होता है, यहाँ पे जो होता है वो माइनस कॉमा प्लस होता है, यहाँ पे जो होता है वो माइनस कॉमा माइनस होता है, एंड दिस इज द प्लस कॉमा माइनस. ये देखिए ये प्लस कॉमा प्लस है, ये एक्स जो है प्लस है, ये वाई जो है वो भी प्लस है, यहाँ पे एक्स जो है वो माइनस में है, यहाँ पे वाई जो है वो प्लस में है, यहाँ पे एक्स जो है वो माइनस में है, वाई भी माइनस में है, यहाँ पे एक्स जो है वो प्लस में है, वाई भी वाई माइनस में है. ये कैसे हो रहा है? ये देखिए जब आप वाई एक्सिस पे ऊपर जाओगे तो ये पॉजिटिव वैल्यूज होते जाएगा, वाई एक्सिस पे जब आप नीचे जाओगे तो दिज आर द निगेटिव वैल्यूज. सिमिलरली यहाँ पे जब आप एक्स एक्सिस पे जब आप इधर राइट साइड में जाओगे देन यू विल गेट द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स. वैन यू गो लेफ्ट साइड ऑफ ऑन द एक्स एक्सिस ओके यू विल फ्रॉम द आफ्टर द जीरो ओके यू विल गेट द निगेटिव वैल्यूज ऑफ द ओके एक्सेस. सो दिस इज हाउ वी हैव डिस्क्राइब प्लस 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 माइनस. ये देखिए माइनस नेगेटिव में है, बट यहाँ पे जितने भी पॉइंट, अगर कोई यहाँ पे पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसका एक्स जो बोला वो नेगेटिव होगा, इसका वाई जो होगा वो पॉजिटिव होगा. आई थिंक यू नो ऑल दिस कॉन्सेप्ट. सो लेट अस डू सम एग्जांपल. द वेरी फर्स्ट एग्जांपल ओके वन, एंड दैट इज द पेज नंबर 169. सो ड्रॉ द लाइन्स, बोल रहा है क्वेश्चन, ड्रॉ द लाइन्स एक्स ओ एक्स डैश ओके एंड वाई ओ वाई डैश ओके एज एक्सिस ऑन द प्लेन. कहाँ पे? एक प्लेन पे. प्लेन जो लेना है वो एक आप ग्राफ पेपर आप लेके आओ. ओके नाउ यू हैव टू ब्रिंग अ ग्राफ पेपर ओके इजिली अवेलेबल ऑन द स्टेशनरी शॉप. प्लीज गो एंड बाय अ ग्राफ नोटबुक एंड टेक अ ग्राफ पेपर एंड प्लॉट द पॉइंट्स विच हैव बीन गिवन हियर फॉलोइंग पॉइंट्स. लेट अस टेक ए इज इक्वल टू 5.3. अब हमको इसको प्लॉट करना है, तो हमारे पास ये ग्राफ पेपर है ना ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इसे इक्वली डिवाइड कर देंगे. पहले यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 सेम डिवी इक्वली डिवाइड हम 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 सेम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 देखिए यहाँ पे आप यू कैन नंबर इट, यू कैन लेवल इट, नंबरिंग ऑल्सो आप अगर चाहे तो दे सकते हो. चलिए यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ 2, 3, 4, 5 नीचे -1, -2, -3, -4, -5 ये 1, 2, 3, 4, 5 दिस इज योर एक्स, दिस वन इज ओ, दिस वन इज योर एक्स डैश, दिस इज वाई ओ एंड हियर वाई डैश. सो नाउ दिस वन इज योर विच एक्सिस, कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस. नाउ ए इक्वल टू 5.3 मतलब ये जो है वो एक्स की वैल्यू है, ये जो है वो वाई की वैल्यू है. एक्स 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 है, और वाई इक्वल टू 3 है, 1, 2, 3 तो मतलब आप यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन ऐसे स्केल से ड्रॉ कर दो, और यहाँ से वर्टिकल डॉटेड लाइन आप एक ड्रॉ कर दो.
ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, ओके लेट अस सपोज द दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू डॉटेड लाइन, सो दिस पॉइंट विल बी 5,3. ओके आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? सो दिस विल बी योर 5,3. सिमिलरली अगर मैं आपको बोल दूँ कि b इक्वल टू -3,2 फाइंड आउट करो, तो देखिए b कहाँ पे है, -3,2 हमारे पास ये है, तो ये क्या है x है, ये क्या है y है, x माइनस थ्री कहाँ पे है, 1, -1, -2, -3. तो आप यहाँ से ओके ये देखो, पहले ये प्लस प्लस था तो कहाँ पे आ रहा था, इसमें, अब ये माइनस प्लस है, माइनस प्लस किस में आता है, ये देखो माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, तो हियर समवेयर यू विल गेट, तो x इक्वल टू -3, y इक्वल टू +2, 1, 2. तो देखिए ये +2 है, तो यहाँ से आप यहाँ से डॉटेड लाइन यहाँ से कर दो और यहाँ से आप डॉटेड लाइन इधर कर दो, तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन पॉइंट. ओके दिस पॉइंट इज ओके -3,2. सो इन दिस वे यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ ओके फॉर अ गिवन पॉइंट एंड प्लीज ओके यहाँ इसका क्वाड्रेंट क्या है, सेकेंड क्या है, क्वाड्रेंट है, ऐसे हम क्वाड्रेंट भी बताना हमको तो हम बता सकते हैं, ये क्या है फर्स्ट ओके क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पोजीशन है इसका, इस पॉइंट का. लेट अस टेक दिस इज ए एंड दिस वन इज योर बी. ठीक है, एक किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, बी जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है. यू कैन राइट इट द स्टेप्स ऑल्सो. ओके कैसे स्टेप लिखोगे, फर्स्ट लेट अस एक्स ओ एक्स इज एक्स एक्सिस एंड वाई ओ वाई अनदर वाई एक्सिस, फिक्स ए कन्वीनियंट यूनिट ऑफ लेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आप यहाँ पे जीरो एक फिक्स कर दो यहाँ पे, मार्क इक्वल डिस्टेंसेस ऑन ओ एक्स ओ वाई ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश. ओके आपको मार्क कर देना है, यूज द कन्वेंशन ऑफ साइंस, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस, आप वहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टेक +5 यूनिट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड देन +3 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस. ओके यहाँ पे ये टेक 5 यूनिट्स एंड ऑन द वाई यूनिट्स 3 डॉटेड लाइन आप यहाँ पे शो कर दो यहाँ पे एंड ऑप्टेन द पॉइंट ए 5,3. प्लीज ऑप्टेन द पॉइंट ए 5,3. सो इन दिस वे यू हैव टू प्लॉट दिस ग्राफ. सो द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स आर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली. सिमिलरली ओके आपको क्या करना है, ओके माइनस सेकेंड एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 2 में 4,-2 एक पॉइंट है, इसको आपको ड्रॉ करके बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रंट में है. ओके तो देखिए यहाँ पे जब आप ये ड्रॉ करोगे, इक्वली डिवाइड करोगे, तो ये वाई एक्सिस पे हो गया. सिमिलरली इधर आप एक्स एक्सिस पे लिख लेना, ये हो गया आपका वाई एक्सिस निगेटिव, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस ओके निगेटिव. ये देखिए एक्स के वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू निगेटिव है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव या इस पे होता है, वाई की निगेटिव, मतलब इस क्वाड्रंट में ये कौन सा क्वाड्रंट है, फोर्थ क्वाड्रंट है. ओके ये किस में आता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, सिंपली देख के ही आप लोग बता सकते हो. तो देखिए एक्स 4 है, 1, 2, 3, 4 हो गया ये, और वाई -2, -1, -2, तो ये पॉइंट जो आएगा समवेयर हियर. ओके सो दिस विल बी, एक मिनट डॉटेड लाइन में शो करूंगा. ओके ये देखिए आप यहाँ से -2 वाला डॉटेड लाइन कर दो और ये यहाँ से आप 4 वाला डॉटेड लाइन, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ओके आप उसे डार्क कर सकते हो यहाँ पे, एंड दिस पॉइंट इज 4,-2 क्या है, 4,-2 है ये पॉइंट, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, x की वैल्यू पॉजिटिव है, x इस पे क्या रहता है पॉजिटिव रहता है, y निगेटिव है, तो y यहाँ पे निगेटिव रहता है. ओके सो योर पॉइंट विल कम इन दिस फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा कौन सा, फोर्थ ओके क्वाड्रेंट, ऐसे आंसर हो जाएगा. गॉट इट? सिमिलरली यू कैन डू रिमेनिंग प्रॉब्लम ऑल्सो. अब अगला कॉन्सेप्ट है इसमें, अभी अगला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ग्राफ के लिए, एंड व्हाट इज दैट, सब हेडिंग पॉइंट ओके ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके अगर कोई एक्सिस पे कोई पॉइंट गिवन है तो आप क्या करोगे, सपोज दिस इज द एक्स, दिस इज वन इज एक्स एंड दैट वन इज वाई, लेट अस डू दिस, दिस इज वाई ओ वाई डैश, दिस इज एक्स डैश ओ एक्स, दिस वन इज एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज
y axis. Okay, suppose you have here 1, 2, 3, 4, 5. Similarly, 1, 2, 3, 4, 5. Similarly, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Equally divided है, so don't get confused. ये rough diagram है. आप graph paper पे इसको draw करना, ठीक है? चलिए देखिए यहाँ पे actually हो क्या रहा है. जब आप यहाँ पे इसको numbering करोगे, ये 1, 2, 3, okay, 4, 5. Similarly, यहाँ पे अगर 1, 2, 3, 4, comma 5, तो होता क्या है कि अगर let us take this point, हम यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं. तो ये देखिए, कोई भी कोऑर्डिनेट जो होता है वो x कॉमा वाई के फॉर्म में रहता है. यहाँ पे x कितना है, x कितना है यहाँ पे, x है 3. ओके, चलिए मैं ऊपर लिखूँगा, x जो है वो 3 है. यहाँ पे y कितना है, y ये वाला लाइन है ना, तो y 0 है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, दिस इज 3, 0. ये दिस वन इज 4, 0. दिस वन इज 5, 0, क्योंकि ये 0 है. वाई एक्सिस यहाँ पे ये वाला लाइन है, ये वाली लाइन है, तो ये 0 है यहाँ पे, और ये एक्स में इतना चेंज हो रहा है. सिमिलरली इसका अगर मैं बोलूँ तो ये -1, 0 है. इसको बोलूँ तो ये -3, 0 है. अगर इसका कोऑर्डिनेट बोलूँ तो -5, 0 है. ओके, वाट अबाउट टू द कोऑर्डिनेट्स ऑन द वाई एक्सिस? लेट अस टेक, ये 0, 4 है. एक्स की वैल्यू 0 है, अब इसका 0, 3 है. सिमिलरली ये इसका कोऑर्डिनेट जो है 0, 5 है. इस सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, अगर ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो यहाँ पे जो होगा वो इसके इस पे x, y जो होगा, x के वैल्यूज होंगे और ये 0, x, 0 हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे जो होगा वो y, 0 चलेगा. y के जो वैल्यूज होंगे वो, और x एक्सिस चूंकि इस पे क्या है, 0 है. You got it? So this is the way you have to draw the coordinates, find out the coordinates on the axes, whether it may be on x-axis or y. चलिए एक बार और मैं थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बताता हूँ. यहाँ पे अगर ये है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे है ये आपका x-axis है, ठीक है, x-dash, ये y-axis है, ये y-dash. अगर यहाँ पे x-axis पे आप कोई पॉइंट लेते हो, लेट अस टेक दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, एंड यू आर टेकिंग अ पॉइंट दिस, ओके, यहाँ पे, तो ये y से, ओके, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 4 है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, इस पॉइंट का इस y एक्सिस से, लेट अस टेक दिस इज p, ओके, सो डिस्टेंस, ओके, फ्रॉम y एक्सिस, ओके, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ओके, यहाँ पे लिख लो आप क्या, एवरी पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इक्वल टू 4 फॉर पॉइंट p, ओके, फॉर द पॉइंट p, ओके, नाउ यू टेल मी दिस इज q, सो डिस्टेंस, ओके, कितना है q का, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना है q के लिए, 5, ओके, फॉर पॉइंट q. यू गॉट इट? यस. तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली क्या है, अगर यहाँ पे अगर पी क्यू आर पॉइंट है इस पॉइंट पे, सो डिस्टेंस यहाँ से कितना है, 6 है. कहाँ तक, यहाँ तक 6 है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इक्वल टू 6, ओके, फॉर आर पॉइंट, फॉर द आर पॉइंट. यू गॉट इट? सो दिस इज द वे यू हैव टू फाइंड आउट. सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है, ओके, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे लेट अस टेक दिस इज, ओके, क्या ले सकते हैं, पी क्यू आर हो गया, एल यहाँ पे, चलिए ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4. सिमिलरली एल है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 4 है, किससे, एक्स एक्सिस से. पॉइंट एल इज 4, ओके, ओके, 4 यूनिट अवे फ्रॉम विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है. ये जो एल पॉइंट है, ये जो एल पॉइंट है वो इस एक्स एक्सिस से,
इस x एक्सिस से कितना दूर पे है, 4 यूनिट डिस्टेंस है उसका, यू गॉट इट। तो ये इस तरीके से हम इसको कंसीडर करते हैं। सो नाउ ओके, ऑन विच एक्सिस डू गिवन पॉइंट लाई, अगर एग्जांपल कुछ मैं दे रहा हूँ अभी आपको, देखिए क्वेश्चन है ऑन विच एक्सिस ओके डू द गिवन ओके पॉइंट्स लाई बोल रहा है कि ए बिट है 7.0 है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किस एक्सिस पे ये पॉइंट लाई करेगा। तो देखिए ये है एक्स, ये है वाई। मैं बोल रहा हूँ कि जब भी एक्स कॉमा जीरो होता है मतलब वाई क्या है, जीरो है। वाई क्या है, जीरो। वाई किस पे जीरो होता है, वाई इक्वल टू जीरो किस पे होता है बताओ, वाई इक्वल टू जीरो किस पे होता है, ऑन एक्स एक्सिस। तो ये एक्स की वैल्यू 7 है, मतलब ये जो पॉइंट होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये है वो पॉइंट 7.0 ओके। ऑल कोऑर्डिनेट्स फॉर द वाई ओके, फॉर वाई इक्वल टू जीरो ऑन व्हाट, एक्स एक्सिस, यू गॉट इट। सो दिस विल बी ऑन एक्स एक्सिस, द पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट लाई ऑन विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। 7.0 पॉइंट है जो लाई करता है किस पे, ऑन एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक पॉइंट है ओके, नाउ यू टेल मी 0.6 किस पे रहता है, ये किसका वैल्यू है, वो एक्स का है, ये किसका है, वाई का है। तो एक्स एक्स जीरो किस पे होता है, ऑन ऑन वाई एक्सिस, कहाँ पे, यहाँ पे। तो और ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो पॉइंट है कौन सा, ये जो पॉइंट है वो है 0.6, क्योंकि ये y एक्सिस है। एंड वी नो दैट, वी नो दैट ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0। ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, यहाँ से तो 0 होता है, यू गेट इट। चलिए तो इस तरीके से बाकी के जितने भी प्रॉब्लम है यू कैन डिस्क्राइब ओके वेरी, आप उसे सॉल्व करिए, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो मैसेज करके। सो थैंक यू सो मच, वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो।